वेलकम बैक दुबई सीरीज में, और ये है दुबई सीरीज का चौथा एपिसोड। इसमें हम लेकर जाएंगे आपको बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और दुबई मॉल। तो मेट्रो पकड़कर जा रहे हैं हम अभी दुबई मॉल, जहां पर बुर्ज खलीफा स्थित है। तो दुबई मेट्रो वेल कनेक्टेड है, अंदर से ही आप सीधा दुबई मॉल में पहुंच सकते हैं, और दुबई मॉल से हम उसके बाहर सामने स्थित जा रहे हैं बुर्ज खलीफा टावर की तरफ। टिकट लिया और आप देख सकते हैं नीचे इसके प्रतिकृति लगी हुई है, जिसे फोटो खिंचवा सकते हैं। उसके पिक्चर्स हैं इधर। तो करीब 828 मीटर लंबा बुर्ज खलीफा का निर्माण 2010 में हुआ था, और हम बढ़ रहे हैं ऊपर जाने की ओर लिफ्ट से। ये लिफ्ट दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने वाली लिफ्ट या एलिवेटर है, और ये आपको 125 फ्लोर तक सिर्फ 60 सेकंड में लेकर जाती है। पहुंच गए ऊपर और देख सकते हैं व्यूइंग डेक। ये ऑब्जर्वेशन डेक है जो 124 फ्लोर पर स्थित है। बाहर का नजारा दिख रहा है। ये दुबई मॉल का टॉप है, आप देख सकते हैं दुबई मॉल की छत। पूरा दुबई मॉल का इलाका ऊपर से 828 मीटर से दिख रहा है आपको। ये जो पानी दिख रहा है, ये पानी दुबई फाउंटेन है। वर्ल्ड फेमस दुबई फाउंटेन। ये फाउंटेन 30 एकड़ में फैला है, और ये पानी को 500 से 700 फीट तक ऊंचा फेंकता है। आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है इस फाउंटेन का। ऊपर से दुबई मॉल, उसके आसपास के इलाके जिसे डाउनटाउन दुबई कहते हैं, आप देख सकते हैं सड़कों का जाल बिछा है, कंक्रीट का जंगल, ये बलखाती सर्पाकार सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। जबरदस्त सड़कों का जाल आप देख सकते हैं। और दूर तक फैली बिल्डिंग है। और आप देखिए सामने समंदर नजर आता है। तो दुबई कोई बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा शहर नहीं है। आप सामने इसकी सीमाएं देख सकते हैं, और यहाँ की लैंडमार्क बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये होटल दुबई एड्रेस है। इस डेक से आप चारों तरफ पूरा दुबई देख सकते हैं। सामने आपको पानी की नहर दिखती है। जो भी पानी नजर आता है दुबई में, सब आर्टिफिशियल नहर से है। ये देखिए, मैंने कहा कि समंदर। और ये इमारत आप देख सकते हैं दूर से, बुर्ज अल अरब, जहां हम जाने वाले हैं आज। बुर्ज खलीफा जाने का सबसे अच्छा समय है शाम के समय, रात से थोड़ा सा पहले, सूर्यास्त का समय, जब आप शाम की दुबई की इमारतें उजाले में देख सकते हैं, और थोड़ा सा
अंधेरा होने के बाद जगमगाती हुई लाइटें और प्रकाश में झिलमिलाता दुबई देख सकते हैं। और अब आ गए हैं हम नीचे वापस दुबई मॉल में। मैंने कहा कि ये दुबई मॉल से सटा है, एमआर प्रॉपर्टीज की ये दोनों इमारतें हैं। तो ये देख सकते हैं आप दुबई मॉल। और ये दुबई मॉल की फेवरेट लैंडमार्क जगह इल्यूजन वाटरफॉल है, इसे देखते ही आप पहचान सकते हैं कि ये दुबई मॉल है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, करीब 11,24,000 स्क्वायर मीटर में। और ये है दुबई का एक्वेरियम जो दुबई मॉल के अंदर है। दुबई में जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्रिलिक पैनल लगा है। और अब आगे बढ़ते हैं दुबई मॉल के अंदर। ये है ओलंपिक साइज स्केटिंग रिंक, और इस रिंक में एमिरेट्स हॉकी लीग का आयोजन भी होता है। तो एक मॉल के अंदर एक्वेरियम, एक मॉल के अंदर स्केटिंग रिंक, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज मॉल है। किसी भी मौसम में स्केटिंग रिंक का आनंद लिया जा सकता है। और चलें आगे, इसके बाद हम आ गए हैं बाहर दुबई मॉल को देखते हुए, कर रहे हैं म्यूजिकल फाउंटेन का जो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, दुबई फाउंटेन। ये है दुबई एलिवेटर का काउंट डाउन, पहुंच रही है आप देखिए एक मिनट में 125 फ्लोर। जहां पे ऑब्जर्वेशन डेक है, तो यहां से वापस बैक, और अब किसी और दिन शाम हम जा रहे हैं बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब के बाहर का ट्रैफिक, इसको क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे।
बुर्ज अल अरब जहाज के आकार का बना 7-स्टार होटल है। 1999 में शुरू हुआ था और करीब 5 साल में बनकर तैयार हुआ था। आप देखिए, ये दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल है, बहुत ही महंगा। अभी कोरोना काल में पिछले जून 2020 से ये बंद है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, लेकिन अंदर से बड़ा ही बेहतरीन लग्जरियस। और ये है जुमेरा बीच, जुमेरा पब्लिक बीच जो इस होटल के पास है, बुर्ज अल अरब आपको दिखेगा। और इसके पास में एक रेत का पहाड़ सा है, और रेत के पहाड़ से आप नीचे अपने पीछे पूरा बीच देख सकते हैं, जुमेरा पब्लिक बीच। बीच पे आपको स्विम करने का फैसिलिटी है, आप वहाँ पे नहा भी सकते हैं। और अभी शाम ढल रही है और यहाँ का सूर्यास्त देखकर हम वापस जाएंगे और ये दुबई सीरीज को एंड करेंगे। आप देखिए, धीरे धीरे शाम ढल रही है, पंछी अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हम तैयार हैं डूबते हुए सूरज को देखने के लिए। और ये है शाम, सूर्यास्त, और अब हम सफर समाप्त करते हैं। ये आप देखिए रात में जो लाइट होती है, तो आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सफर पर। थैंक यू।